सुनने में आया कहीं ना कहीं अब क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स होने लगा। शुभम अरोरा हमें कब आईपीएल में देखने को मिलेंगे? बस आप इसी साल मेरे को आईपीएल में देखोगे होपफुली। मेहनत चल रही है अपनी, बस थोड़ा बस ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क कर रहेगा। फरहान भाई मेरा पहला क्वेश्चन, इस क्लब एक बड़ा क्लब है डूडू रेंजर्स, इस क्लब की अगर हम बात करें ज़्यादातर जो प्लेयर्स है इसमें आउट ऑफ स्टेट है, कोई खास वजह? सर आप जीतने के लिए खेल रहे हैं कि यहाँ के टैलेंट को आगे लेने के? हम टैलेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, यू आर वॉचिंग कश्मीर क्राउन, दिस इज़ योर होस्ट यासीन गनाई। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, करंट रणजी क्रिकेटर फ्रॉम हिमाचल। बिफोर स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन, व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ, शुभ एक ऐसा नाम है जो विजय हजारिया ट्रॉफी 2021 और 22 की जो हुई थी उसमें मैन ऑफ द मैच रहे, 136 रन उन्होंने बनाए थे। सर खैर मकदम आखा कश्मीर ग्राउंड। पहली बात थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया जो मेरे को यहाँ पे बुलाया, हमारे फरहान भाई ने, उनका मैं बहुत मतलब आभारी हूँ। और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, मेरे को अभी भी इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, मेरे को काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे खेल के। काफ़ी अच्छा ग्राउंड मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है और खेल के भी अच्छा लगा काफ़ी। शुभम भाई अगर हम शुभम अरोरा की बात करें, एक बड़ा नाम है हिमाचल क्रिकेट में, शुभम अरोरा हमें कब आईपीएल में देखने को मिलेंगे? बस आप इसी साल मेरे को आईपीएल में देखोगे होपफुली। मेहनत चल रही है अपनी, बस थोड़ा बस ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क कर रहे हैं। हिमाचल से कश्मीर तक आपका जो कश्मीर का क्रिकेट लगा, कश्मीर के क्रिकेट के बारे में आपकी क्या व्यूज़ है, यहाँ का जो ग्राउंड है ग्राउंड के बारे में आपकी क्या व्यूज़ है, और जो कश्मीर में जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है रहमान कप, इसके बारे में आपकी क्या है? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, ग्राउंड काफ़ी अच्छा मेंटेन है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना अच्छा ग्राउंड मेंटेन करके रखा है, काफ़ी अच्छा, टीमें भी काफ़ी अच्छी है, अभी मैं खेल रहा था, कॉम्पिटिशन अच्छा है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और एटमॉस्फेयर ऊपर से काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मेड क्रिकेट से आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो मतलब कश्मीर के क्रिकेटर से इनको आगे जाके परफॉर्म करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, अगर हम जे के सी ए की बात करें, जो आगे जो क्रिकेटर्स थे उनके प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है, रीज़न है वो लोकल क्रिकेट यानी कि मेड क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैड क्रिकेट और टर्फ क्रिकेट में दिन रात का फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं है। मैट क्रिकेट भी अच्छी है, अच्छी मैट पे भी ऐसे बॉल वैसे ही आता है जैसे थोड़ा बाउंस होता है, तो जितना प्लेयर खेलेगा उतना ही आगे निकलेगा। अब हर जगह टूर्नामेंट हो रहे हैं, कश्मीर में इतने सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं, अभी मैंने सुनने में आया, खेलूंगा अभी मैं, तो उतने ही प्लेयर निकलेंगे, जितना क्रिकेट ज़्यादा बढ़ेगा हर मतलब विलेज या कई भी विलेज या श्रीनगर कश्मीर पूरे उसमें उतने ही प्लेयर आगे निकलेंगे, जितनी क्रिकेट बढ़ेगी जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही ऊपर भी जाके थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और काफ़ी मज़ा आ रहा है खेल के। जो यहाँ के कश्मीर के लोकल क्रिकेटर्स हैं, हालांकि आप पिछले 3 साल से हिमाचल स्टेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकल क्रिकेटर्स तक आपकी क्या मैसेज रहेगी उनको आगे जाने के लिए, हालाँकि वो भी अगर रणजी में कश्मीर के? हाँ जी, लोकल क्रिकेटर्स कश्मीर में आएंगे ना इस टाइम? हाँ, तो स्टार्टिंग हमेशा डिस्ट्रिक्ट से ही होती है, ये लोकल क्रिकेट लेवल से ही होती है, बस अगर ऊपर जाना है तो। मैं भी खेला तो मैं भी पहले ही ऐसी क्रिकेट खेलता था, उसके बाद ऊपर गया डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो भी कश्मीर में जैसे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में वहाँ परफॉर्म करके, और फिर नेशनल लेवल में जाएंगे। जितना क्रिकेट ये टूर्नामेंट ज़्यादा होएंगे उतने ही प्लेयर ज़्यादा निकलेंगे। फरहान भाई से मेरा क्वेश्चन रहेगा, फरहान भाई मेरा पहला क्वेश्चन, इस क्लब एक बड़ा क्लब है डूडू रेंजर्स, इस क्लब की अगर हम बात करें ज़्यादातर जो प्लेयर्स है इसमें आउट ऑफ स्टेट है, कोई खास वजह? देखिए खास वजह ये भी है कि देखिए हम चाहते थे कि हमारी टीम में ना बहुत सारे मतलब यंग लड़के हैं, तो ये भी एक समझो एक मोटिव ये भी है हमारा कि हम उनको मतलब सिखाना चाहते हैं। देखो हमारे क्रिकेट में और बाहर के क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब किसी को बुरा लगे इस बात का, फ़र्क बहुत है हमारे और बाहर के क्रिकेट में। तो देखो हमारी 2 टीम्स हैं, ठीक है, हमारी जूनियर टीम भी है और हमारी सीनियर टीम भी है, तो ये हमारी सीनियर टीम है, जूनियर टीम में हमारे बाकी मतलब 20 एक लड़के खेलते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शुभम भाई भी आए हैं तो एक दिन का एक वो ना
वो नेट रखेंगे उनके साथ और थोड़ा वो बातचीत भी करेंगे। तो मतलब आप यही समझो कि हम चाहते हैं कि क्रिकेट एक्सप्लोर हो अच्छे से, आने वाले समय में लोकल क्रिकेटर्स हमें इस क्लब में देखने को मिले। इस समय भी लोकल क्रिकेटर्स अराउंड 25-30 खेल रहे हैं। हमारी टीम में ऑन द होल अराउंड 40 प्लेयर्स हैं। दो, मैंने कहा ना आपसे, दो टीम्स हैं हमारे, हाँ दो क्लब्स हैं हमारे पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे ओनर हैं उनका सपोर्ट है, तब जाके हम इतना कुछ मतलब लड़कों को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी इट्स अप टू द यू नो द बॉयज, सी हाउ दे यू नो परफॉर्म, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, हमारा मेन फोकस ये है कि क्रिकेट को एक्सप्लोर करना है। जितना हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ना, देखो मैं आपको बात एक बताऊंगा, आज मैक्सिमम पीपल बोलते हैं आपने जी बाहर से लड़के लाए हैं, वो किया ये किया। मैं आपको इस चीज़ का मतलब सुनने में आया, कहीं ना कहीं आप क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स होने लगा ना। मैं आपको इस चीज़ का मतलब क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूंगा। देखिए मैक्सिमम प्लेसेस पे आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लड़के को अलाउ नहीं किया जाता है मतलब वहाँ पे खेलना, ठीक। देखिए अब आप रोज़ एक ही लड़के को फेस कर रहे हो 10 साल से, ठीक है, जब आपने कंपटीशन देखा नहीं, ठीक है ना। आपको पता है कल यही उम्र लोन है, इसको मुझे दोबारा फिर से खेलना है, कल ये ABC है, इसको मुझे फिर से खेलना है, ठीक है। लेकिन जब आप बोलो देखोगे, जब अनंतनाग से लड़का आएगा इधर खेलने, सर आप जीतने के लिए खेल रहे हैं कि यहाँ के टैलेंट को आगे लेने के? हम टैलेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं, और ये है कि जीतना भी है। देखो हर एक जीतना चाहता है, हारने के लिए कोई नहीं उतरा है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपको जीतना ही जीतना है। मैंने आपको यही चीज़ बोली, मैं आपके साथ इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा उस दिन, जब हमारे जो यंग लड़के हैं हम एक कैंप कर रहे हैं इनके साथ एक दिन का, उस दिन मैं आपको ज़रूर बुलाऊँ। आप देखना हमारे पास कितने छोटे लड़के अवेलेबल हैं छोटी टीम के लिए, तो हम प्रमोट भी कर रहे हैं टैलेंट। मैंने कहा आपको, ये हमारी सीनियर टीम है, तो बस हमारा यही एक है, एक चीज़ है कि अगर हम, अगर कल को हमें और कोई लड़का मिलेगा ना बाहर से, चाहे IPL रिप्रेजेंट किया है कुछ, हम उसको लाएंगे। क्यों, देखो कॉम्पिटिशन जितना रहेगा उतना अच्छा है, कॉम्पिटिशन हमें चाहिए ही चाहिए। सर शुमाली कश्मीर की अगर हम बात करें, रहमान कप एक बड़ा नाम है, रहमान कप की अगर हम बात करें, डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू, इस जो इतने बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू स्टॉप ड्रग एडिक्शन? सबसे बेस्ट चीज़ है स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो फुटबॉल है, कोई भी गेम क्यों ना हो, स्पोर्ट्स सबसे अच्छी चीज़ है जिससे आप लड़के को मतलब दूर रख सकते हो गलत चीज़ों से। देखो मैं हसन भाई की बात करूँगा, ये 5th edition है, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग यहाँ पे बोलते हैं ए तू शू गमी दबन मजगिन ने, ठीक है, दैट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दी हाउ यू हैंडल द थिंग्स, ठीक है ना। देखिए और रहमान कप ये इस टाइम मतलब मैं आपको अपना बोलूँगा, हाँ मैंने हसन भाई से ये बात भी बोली थी कि कुछ भी हो हमारा मैच यहाँ पे होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजी स्केड्यूल था, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, और 5th edition है। देखिए 5th edition तब होगा जब आपके 4 edition सक्सेसफुल हुए हैं। और भाई डूडू रेंजर्स की अगर हम बात करें, एक ऐसा क्लब जिसने काफ़ी कम समय में इतना बड़ा नाम कमाया है, वजह? देखिए वजह कुछ होती नहीं है, मेरे हिसाब से एक क्रिकेट टीम में सबसे बेस्ट होना चाहिए कॉम्बिनेशन। जब हमने स्टार्ट के मैचेस खेले थे तो हमने कोई नहीं जीता था, क्योंकि कॉम्बिनेशन अभी बन रहा था। फिर डे बाई डे जब लड़के भी आए, बाहर के लड़के आए और अपने लड़के थे, अच्छे लड़के थे, हाजिक बटे हमारी टीम में, तो उस वजह से हमारा कॉम्बिनेशन भी अच्छा हुआ, जिस वजह से हम अभी जीत रहे हैं मैक्सिमम मैचेस। उसमें एक दो हारे बट जीत रहे हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्रिकेट हम अच्छा खेल रहे हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न। और कश्मीर में पहली बार ई ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में, ई ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873108158।